नमस्कार, अपकाश टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं ट्राई सिटी का खबर। हम आपको चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, गोरखपुर और आसपास के इलाकों की जो मुख्य हलचलें रहती हैं, मुख्य खबरें रहती हैं, मुख्य मुद्दे रहते हैं जो आपके साथ जिनका सीधा सरोकार रहता है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ पंजाब और हरियाणा की बात भी करते हैं। आज भी चंडीगढ़ में नगर निगम की बैठक थी, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक दो खबरें आज पंजाब की तरफ से भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक आज चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि अब से पंजाबी भाषा जो है वो पंजाब के सभी स्कूलों में अनिवार्य तौर पर पढ़ी जाएगी। आप जानते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में तो पढ़ी ही जाती है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल आते हैं जहाँ पर अभी भी पंजाबी भाषा एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ी जाती। तो एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर अब पंजाबी पढ़ाना ज़रूरी है पूरी तरह से सभी स्कूलों में, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे सरकारी स्कूल्स हैं। और जो स्कूल इस आदेश को नहीं मानेंगे, इसकी अवहेलना करेंगे, उनको 2,00,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। ये मसला दरअसल पीछे विधानसभा में भी उठा था, इससे पहले भी पंजाब के कई पॉलिटिशियन उस मसले को उठाते रहे हैं कि पंजाब में ही पंजाबी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और इसी को देखते हुए ये आज ट्वीट के जरिए यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। इसके साथ साथ उन्होंने CBSE की भी निंदा की है। CBSE के नियमों के अनुसार जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो मेन सब्जेक्ट्स में नहीं आती हैं, उनको माइनर सब्जेक्ट माना जाता है। तो इस बात की चरणजीत सिंह चन्नी ने निंदा की है और इसे उन्होंने जो भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो उसकी स्पिरिट है, उसके भी खिलाफ बताया है। एक और छोटी सी खबर पंजाब से हम और ले लेना चाहते हैं। ये खबर ये है कि पंजाब में 8 सितंबर 1995 के बाद से जो भी अवैध कॉलोनियाँ बनी हैं वहाँ पर अब सेल डीड रजिस्टर करने के लिए NOC देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी राहत है जो कॉलोनीज बनी है पंजाब में, अवैध कॉलोनी, वहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है सेल परचेज में अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर। और ये जानकारी आज हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सरकारिया ने दी है और इसके बारे में उन्होंने हिदायतें भी जारी करी। इसके बाद अब हम आज बात करते हैं चंडीगढ़ नगर निगम की आज की बैठक की। जनरल हाउस की आज बैठक थी। 1996 में चंडीगढ़ नगर निगम बनी और अब 2021 है, 25 साल इसको होने को हैं। और इसके पांच जो ये वाली नगर निगम जो जनरल हाउस है उसके 5 साल अब पूरे होने जा रहे हैं और आज इलेक्शंस से पहले इसे आखिरी बैठक कहा जा सकता है, क्योंकि आज से एक दो दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जानी है और उसके बाद से फिर बैठक नहीं हो पाएगी। चंडीगढ़ में जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। आज मुख्य रूप से वैसे तो एजेंडाज काफ़ी थे, आज 12 एजेंडाज तो टेबल एजेंडाज आए, क्योंकि आखिरी मीटिंग थी तो हर कोई रशियन करने की कोशिश कर रहा था, अपने एजेंडाज को लाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन दो प्रमुख एजेंडा थे, जिसमें एक एजेंडा ये था कि जो पार्किंग ठेकेदार हैं, पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट थी, उनकी तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी कि चूँकि कोरोना रहा है और पीछे मार्केट्स में भीड़ भाड़ नहीं था और भी कई कारण उन्होंने बताए हैं जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्होंने मुआवजे की बात की। ये मसला पिछली बार भी आया था लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। इस मसले को फिर एक कमेटी को रेफर कर दिया गया था, उस कमेटी ने दोबारा इसमें जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि इनकी बात जायज़ लग रही है, इन्हें करीब करीब 2 करोड़ तक का मुआवजा जो है वो दे देना चाहिए। लेकिन जब ये मामला हाउस में आया तो उसको लेकर भारी विरोध हुआ। ज़्यादातर पार्षदों का कहना था कि जो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बिल्कुल भी एक क्वालिटी की सेवा उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, पार्किंग में अभी भी लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग पार्किंग में अपने वाहनों को अभी भी सुरक्षित नहीं समझते हैं। तो बजाय इस तरह के पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई राहत देने के, इनके ऊपर उल्टे पेनल्टी लगानी चाहिए। तो काफ़ी
तगड़ा विरोध इस प्रस्ताव का होगा, जिसको देखते हुए इस जो रिकमेंडेशन थी कमेटी की उसको रद्द कर दिया गया और कहा गया कि इस मसले में जो है किसी किस्म की कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद एक और मसला जो आज महत्वपूर्ण था वो भी पार्किंग लॉट्स को लेकर ही था। चंडीगढ़ में आप जानते हैं कि काफ़ी जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स हैं वहाँ पर तो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो पैसा वसूलते हैं, पेड पार्किंग है, लेकिन बहुत सारी पार्किंग जाती हैं जहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर पूरी तरह से एक अव्यवस्था का आलम रहता है उन पार्किंग के अंदर। लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर सही तरीके से वहाँ पर खड़ी नहीं होती हैं, गाड़ियाँ निकालने में दिक्कत आती है और जिस पार्किंग में मान लीजिए अगर 100 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो वहाँ चूँकि अव्यवस्था रहती है तो वहाँ 60 गाड़ियाँ ही खड़ी हो सकती हैं। तो उसमें प्रस्ताव यह था कि जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है अगर वो उन पार्किंग्स को चलाए तो कैसा है, तो इस बात को इस पर भी चर्चा हुई थी, पहले भी लगातार चर्चा चल रही थी। तो करीब 60 पार्किंग ऐसी हैं जिनमें अभी तक किसी तरह की पार्किंग व्यवस्था नहीं है, तो अभी रखा हुआ है कि जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है वो इन पार्किंग्स को चलाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगी और वहाँ पर पूरी वो देखभाल करेंगी। उनको फिलहाल 2 साल के लिए ये उनके साथ MOU साइन होना है जिसको 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकेगा, कि 3 साल तक वो चला सकेंगी और उनको कुछ शर्तों का पालन करना होगा, अगर उन शर्तों का वो पालन नहीं करेंगी तो ये व्यवस्था जो है वो समाप्त भी की जा सकती है। तो आज की बैठक में ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे। हमारा अभी और भी कुछ मुद्दे हैं चंडीगढ़ से जुड़े हुए जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। एक बार फिर से ट्राई सिटी का खबरनामा और हम हैं आपके साथ हर्ष प्रकाश टीवी से। आज देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी चंडीगढ़ में, हालांकि वो अपने कुछ कार्यक्रम भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से, तो उनकी कुछ रैलीज को भी आज उनकी एक खास जिसको उन्होंने संबोधित करना था। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज जो रैली उन्होंने की, रैली उनकी थी आज विकास नगर गोली जागरा में। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल प्रकोष्ठ की तरफ से ये रैली का आयोजन किया गया था और आप समझ गए होंगे कि क्योंकि अब नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं और चंडीगढ़ में बहुत बड़ी संख्या जो है वो पूर्वांचल के मतदाताओं की है और नित्यानंद राय उसी क्षेत्र से आते हैं, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। बोली जागरा में विकास नगर में काफ़ी प्रभावशाली रैली पार्टी ने की, नित्यानंद राय ने उस पर भाग लिया, इसके साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने इस पर भाग लिया और नित्यानंद राय ने इस अवसर पर लोगों से कहा कि चंडीगढ़ और पूर्वांचल के बीच जो संपर्क है उनको और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नुमाइंदे के तौर पर आए हैं और जो जो उनकी समस्याएं हैं वो केंद्र तक पहुंचाएंगे, गृह मंत्रालय तक पहुंचाएंगे और चंडीगढ़ में जो पूर्वांचल निवासी हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी वो नहीं आने देंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम था जो भारतीय जनता पार्टी का, और इससे पहले कांग्रेस हम आपको बता चुके हैं कि एक रैली कर चुकी है, उन्होंने भी मणिमाजरा में ये रैली की, इमरान प्रतापगढ़ी आए थे इस कार्यक्रम में। उसके बाद नित्यानंद राय ने आज प्रशासक चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर ली थी और उसमें जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो मीटिंग चल रही है, लेट थोड़ा शुरू हुई है वो मीटिंग, उम्मीद करते हैं जल्दी खत्म हो जाएगी। उसमें जो मुख्य मुद्दा जिस पर बात होनी थी वो लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज को लेकर, चंडीगढ़ का ये बहुत पुराना मुद्दा है। 1983 में आखिरी बार चंडीगढ़ में जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज थी उनको फ्री होल्ड में तब्दील किया गया था। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में जो कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और फेज 2 जो इंडस्ट्रियल एरिया था इसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लीज होल्ड पर हैं और इसके लिए लगातार चंडीगढ़ के जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जो चंडीगढ़ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लगातार सरकार के साथ गुहार लगा रहे हैं कि इनको लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला लगातार लटकता आ रहा है।
अब धर्मपाल जो कि चंडीगढ़ प्रशासन में आए हैं, प्रशासन के सलाहकार हैं, उन्होंने इस सिलसिले में MHA को पत्र लिखा है। वो बाकायदा वहाँ पर जाकर MHA के उन अधिकारियों से मिलकर भी आए हैं जो चंडीगढ़ से डील करते हैं। इसी को देखते हुए नित्यानंद राय आज इस मसले पर खासतौर पर बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले में कोई ना कोई हल निकलेगा और चंडीगढ़ की ये जो बहुत पुरानी समस्या है, बहुत पुराना मसला है, इसमें लोगों को राहत मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो चंडीगढ़ में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो नए उद्यम है, उनके आने के रास्ते भी खुले। तो ये आज की एक मुख्य खबर थी। इसके अलावा जाते जाते हम आपको ये बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में अब इलेक्ट्रिक बसेस का इंतज़ार वो समाप्त होने वाला है। कल यानी कि 13 नवंबर को औपचारिक तौर पर पहले फ्लीट को, इलेक्ट्रिक बसेस के पहले फ्लीट को चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित वो जो है फ्लैग ऑफ चंडीगढ़ के खतरा के बस स्टैंड पर ये कार्यक्रम होगा। 5 इलेक्ट्रिकल बसेस चंडीगढ़ में कल से चलना शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले एक नमूने के तौर पर बस चली है अगस्त के महीने में, जो कि ट्रायल बेसिस के ऊपर थी, लेकिन उसके बाद कमियां पाई गई, उसे बंद किया गया, नए सुझाव दिए गए, उसके बाद से ये दोबारा से शुरू हो रही है। अशोक लेलैंड कंपनी की बसें होंगी और इनको जो है वो किलोमीटर स्कीम के तहत चलाया जाएगा। यानी कि बसेस के जो ड्राइवर्स होंगे, जो बसेस का मालिकाना हक होगा, वो कंपनी के पास ही होगा, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इसमें जो कंडक्टर होगा वो चंडीगढ़ प्रशासन का होगा। 5 बसेस कल चलेंगी और उसके कुछ ही दिनों के बाद 5 और बसेस आ जाएंगी। चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि 40 बसेस जो है ऑर्डर भी दिया गया है और 15 दिसंबर तक माना जा रहा है कि ये बसेस आ जाएंगी और चंडीगढ़ की सड़कों के ऊपर आपको फिर इलेक्ट्रिक बसेस दिखती नजर आ जाएंगी। ये निश्चित तौर पर अत्याधुनिक बसें हैं, इनमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है वो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है वो इन बसेस के आने के बाद बेहतर होगी। इसके साथ साथ पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। तो ये थी हमारी आज की पेशकश, ट्राई सिटी का खबरनामा अर्थ प्रकाश टीवी पर। आप देखते रहिए, हमेशा हम रोज आपके साथ मिला करेंगे। अगले कार्यक्रम के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।